रूस यूक्रेन की जंग 17वें दिन में पहुंच गई है। 17 दिनों से जारी जंग में 3 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन युद्ध खत्म करने को लेकर कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। इस बीच रूस का यूक्रेन पर बमबारी जारी है। रूस ने यूक्रेन पर नया हमला डिनोप्रो शहर में किया। यहां रूस ने एयर स्ट्राइक कर जमकर बमबारी की, जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। वहीं इस हमले में एक आम नागरिक के मारे जाने की खबर है। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर रूस को धमकी दी है। बाइडेन ने कहा है कि हमलावर पुतिन को इसकी कीमत चुकानी होगी। बाइडेन ने रूस को ये भी चेतावनी दी है कि अगर नेटो देशों की रूस के साथ जंग हुई तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। वहीं रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंध जारी है। ब्रिटेन की सरकार ने अब रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा के 386 सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। पाकिस्तान ने दगाबाज चीन से J-10 लड़ाकू विमान खरीदे हैं और पाकिस्तान का ये दावा है कि भारतीय युद्धक विमान राफेल का मुकाबला कर सकेगा। पाकिस्तान के दावे में आखिर कितनी सच्चाई है, इसके दावे में कितना दम है, इस रिपोर्ट को देखिए। भारत के युद्धक विमान राफेल से खौफ खाए पाकिस्तान ने चालबाज चीन से J-10 लड़ाकू विमान खरीदे। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि चीन का ये J-10 विमान भारत के राफेल का मुकाबला कर सके, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक राफेल के सामने J-10 फिसड्डी साबित होगा। पाकिस्तान ने J-10 को अपनी वायु सेना में शामिल कर लिया है। नए लड़ाकू विमानों को वायु सेना में शामिल करने के मौके पर पाकिस्तानी PM इमरान खान ना सिर्फ खुद मौजूद थे, बल्कि एटोक जिले में पाकिस्तानी वायुसेना अड्डे मिनहास कामरा में J-10 में बैठकर लड़ाकू विमान का जायजा भी लिया। इस दौरान इमरान खान को भारतीय युद्धक विमान राफेल का खौफ भी साफ दिखाई दिया। यहां पाक वायुसेना को संबोधित करते हुए इशारों में कहा कि दुर्भाग्य से क्षेत्र में एक असंतुलन पैदा हुआ है और इसका समाधान करने के लिए आज हमें अपनी रक्षा प्रणाली में एक बड़ा इजाफा करना पड़ा। मेड इन चाइना के जंगी जहाज को लेकर इतरा रहे इमरान को पाकिस्तान के एक सांसद डॉक्टर अफनान उल्लाल खान आईना दिखा चुके हैं, जब उन्होंने कहा था कि राफेल के आगे J-10 फाइटर जेट बौना है।